मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना के नए स्ट्रेन को इंडियन वेरिएंट बताने की बात पर सत्ता पक्ष की राजनीति में भूचाल आ गया। इसी के चलते खरगोन जिले में भाजपा समर्थकों ने कमलनाथ का पुतला फूंका और FIR दर्ज कराई। बता दें कि कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट पर जो बयान दिया उसे लेकर राजनीति क्षेत्र में बवाल मच गया। भाजपा समर्थकों ने पुतला फूंक कर बयान को गलत करार दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर कमलनाथ ने जो बयान दिया वो भारत की छवि धूलमिल कर रहा है, जिसका विरोध दर्ज कराने मैदान में उतरे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देश में ये माहौल चल रहा है कि कमलनाथ जिस प्रकार से चीन के पक्ष में बयान दे रहे हैं और भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 84 के दंगों में भी उनका ही हाथ था, और अभी फिलहाल कोरोना का जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, उस कोरोना की को लेके उन्होंने जो वैक्सीन को लेके जो बयान दिया है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। भारत को उसमें ठेस पहुंची है। भारत कोरोना का इलाज कर रहा है, कोरोना के साथ है, कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे वक्त कमलनाथ जी ने जो विरोध में बयान देके भारत की शान को शर्मनार किया है। केंद्र सरकार भी है भारत में और राज्य में भी BJP की सरकार है, इसके बावजूद भी आप ज्ञापन दे रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, क्या सरकार नहीं गिरफ्तार कर सकती? भाई FIR करने का काम है, हमको बुरा लगा इसलिए हमने थाने पे भी FIR की और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पुतले का दहन कार्यक्रम भी किया। क्या नाम है आपका? मोहन राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।